देख मेरी एक्टिंग करेगा कि मैं कैसे हेलो गाइस बोलती हूँ। अबे क्या हो रहा है, चलो क्यों हो रहा है। हाँ तो क्या करना है आज, तो मेरी एक्टिंग करो, मैं कैसे बोलती हूँ इंट्रोडक्शन अपना। Hi guys, welcome back to my channel, that is Vessel Fashion. आगे प्लान लगा दो अपने। नहीं इतना लो नहीं बोलती हूँ मैं, नहीं मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। बोलिए। Hello people, welcome back to my channel, that is Vessel Fashion featuring the shit funny. छदा। ये तो तुम नहीं करती हो कभी भी कुछ भी। अच्छा ओके। So आज हमारा क्या शूट होने वाला है प्रतीक, फाइनली? आज फाइनली ये लाल कपड़ों में जो मैं आया हूँ ना, आज लव स्टोरी शूट करेंगे हम लोग। ये लाल नहीं मरून है। लाल है ये। हम लोग स्टार्ट तो बचपन से हुए थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे। yes. बट उसके लिए उतना हम लोग को मालूम नहीं था कि हम लोग क्या उस टाइम पे कर रहे थे, या मेरे तो हमें मालूम नहीं कि हम लोग उस टाइम पे एक्चुअल में क्या कर रहे थे, साथ में डेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। नन्हे मुन्ने बच्चे as in specify the age. Age, 3-4 years. तो हमारी जो फैमिली हिस्ट्री थी, हम लोग के दोनों के शोरूम्स थे। मेरा भी पहले एक शोरूम था जहाँ पे फैशन सर्कल के उसके ऑपोजिट मेरा शोरूम था, राजशु कंपनी। तो मैं हम लोग दोनों अपने शोरूम्स के अंदर ही, हम लोग का घर था इसके अपने शोरूम पे, मेरे अपने शोरूम पे, एंड हम लोग बचपन से पड़ोसी पड़ोसी पे ही थे बचपन से। एंड देन एट अ सर्टेन एज आगे मेरा भी घर एक सर्टेन लोकेलिटी में हुआ, प्रतीक का भी फिर वही गए। पहले मेरा था, बाद में आप आए पीछे, पीछे करा, आपने मेरा पीछा किया। जो भी है, आप तो मेरे पति हो। हाँ। तो क्या फर्क पड़ता है। तो हम लोग हमेशा से एक ही उसमें रहे हैं लोकैलिटी में। बचपन में क्या था कि मेरी यहाँ पे एक हेल्पर थी, जब प्रतीक बहुत छोटा था। हाँ। तो हमारे यहाँ जो काम करती थी उसका नाम आरती था। हाँ। वो प्रतीक को खिलाती थी, बहुत छोटा सा था प्रतीक। हाँ। तो कहती थी हमसे कि, और हमको बताया नहीं और लेके चली गई। थोड़ी देर बाद देर हो गई, मैंने कहा प्रतीक का टाइम हो गया ब्रेकफास्ट का, ये कहाँ चला गया। मैंने उससे पूछा कि प्रतीक को कहाँ लेके गई थी, तो कह रही थी हम प्रिया भाभी के घर गए थे। मैंने कहा प्रिया भाभी के घर, वहाँ क्यों लेके गई थी। बोलता जो उसकी बेटी है ना निशी, उसके साथ खेल रहा था। राशु वालों के या कोई जानने वालों के यहाँ की कहीं रहती है, बट मैंने इसको देखा था फेसबुक पे, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने इसको फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी थी और हमारी बातचीत चालू हुई थी। क्लास में शायद 8th में या 9th में था, 8th पे था जाता है कि मुझे याद नहीं, 2-3 टाइम्स बात हुई थी हमारी, और ये सब वो सब बातें होती थी, यहाँ वहाँ की बातें, ये हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सब चैट्स दिखा दी जाएंगे आपको। लेटर 11th 12th कुछ नहीं हुआ। तो 12th में मैं था, ये फर्स्ट ईयर में थी, और मैंने इसको देखा चेंज होते हुए और ये बहुत ब्यूटीफुल क्यूट सी हो गई थी। मैंने कहा अरे यार क्या लिखती है यार, इसको लिखते हैं क्यूट श्यूट लिखते हैं इसको। मैंने इसके सारे पिक्चर्स पे क्यूट लिखा, लिखा उसको दिखा देंगे, क्यूट वेरी क्यूट ब्यूटीफुल, सिर्फ क्यूट कमेंट करता था। हाँ, एक कमेंट चेंज नहीं, क्यूट क्यूट क्यूट। और उसके जो इसका क्या नाम है, इसका बोल रहा हूँ मैं, फिर इसने उस कमेंट को पढ़ा क्यूट क्यूट, तो फिर से मुझे लिखा हमेशा ऑलवेज क्यूट, उसने कमेंट किया था व्हाई ऑलवेज क्यूट, तो क्यूट क्यूट बोलेंगे और क्या बोलेंगे। फिर उसके बाद ये कॉलेज चला गया अपना, मैं स्टिल अपना एमिटी में कंटिन्यू करती, फिर मैं लखनऊ वापस आ रही थी, एंड coincidentally he was also coming back to Lucknow from Mumbai. I came back to Lucknow to continue the education, and हम लोग फिर वापस लखनऊ में आए, and then again we started talking, and प्रदीप ने फिर मुझे मैसेज किया। मैंने इसको मैसेज किया कहाँ से, इसको मैंने आया रूम में, मैंने कहा बात बढ़ाते हैं, फिर पहले नई बात हुई थी, और लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा बात करते हैं, इसे normally friendship। इसने मुझे बिल्कुल भाव ही नहीं दिया। हाँ, उस टाइम पे हाय हेलो बाय बाय, मैंने कहा ओके अब मैं दिखाता हूँ अपना हाय हाय। फिर मैंने इसे बात करी ढंग से और हम लोग का फिर कुछ थोड़ा बहुत, फिर हम लोग बीबीए मैसेंजर पे आ गए, ब्लैकबेरी मैसेंजर पे। तो मेरी इससे एक डील हुई थी, मैंने इससे बहुत बात करी, और उसके बाद इसने मुझे बोला कि फोन नंबर एक्सचेंज नहीं करते हैं, हम लोग 3 times पहले मिलेंगे, उसके बाद आपको नंबर अपना दूंगी। Yeah, because I wanted to check what type of a guy he is, and maybe I don't, you know, go with the wrong guy out, and मेरे को protective feel करना था। First time हम लोग मिले थे, if you remember, मुझे याद है कि I was very nervous, क्योंकि मुझे पहली बार किसी से ऐसे मिल रहा था जिसका मेरे पास नंबर ही नहीं है, और इतना भाव खा रही थी, कहाँ की होती परी है ये, चलो मिलते हैं इस परी से। तो मैं
बेबी से मैसेजर बात हुई थी कि आई एम हियर, तो उसने बोला कि आई एम आल्सो हियर और मैं मैकडी के बाहर वेट कर रही हूँ आपका। हाँ, तो मैं मैकडी के बाहर खड़ी थी वेटिंग फॉर मिस्टर परफेक्ट, आए सामने से वॉक करके आ रहे थे वेयरिंग अ व्हाइट कलर टी शर्ट आई गेस ब्लैक टी शर्ट। हाँ, टी शर्ट थी ब्लैक कलर। मैंने क्या पहना था? तुमने येलो कलर का टॉप पहना हुआ था। हाँ, डेफिनेटली शोरूम में। नो गॉड डैम येलो कलर टॉप था तुम्हारा। और बताओ, तुम मौसम शैम्पू करके तुम आई थी तो वो मैंने ब्लैक पेयर थे उसको भी याद है। वॉक कर रहा था निशी की तरफ और मैं एक्टिव खड़ी हुई थी, तो वहाँ दो तीन लड़के और खड़ी हुई थी, तो मैंने इसको पहचान लिया। मैंने कहा यही निशी पिक्चर तो देखी थी ना तो मेरे, उसके बाद हम लोग गए फिर हाय नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। फर्स्ट मूवी दिल धड़कने दो, माय एब्सोल्यूटली फेवरेट मूवी अप टिल नाउ। मुझे यार वो गाना था पहली बार, हाँ, मैंने तो देखा था, ये वो मेरे को अंदर से गिटार बज रहे थे, मैं बैठा के साथ था और मुझे लिटरली बोलता था, सही बताओ ऐसे की लिटरली ऐसा हुआ था उस गाने को, तो मैंने बताया भी ये चीज, वो गाना मैं बहुत रिलेट करता हूँ हमारे हमारे रिलेशनशिप में। फिर उसके बाद मूवी शूवी देखी, कॉफी भी अपना बरिस्ता पे फर्स्ट कॉफी डेट हमारी, और मैंने इसको बोला था कि प्रतीक ये डेट नहीं, ओके वी आर जस्ट मीटिंग एज फ्रेंड्स, ओके। ये तुमने वहां मुझे मुंह पे नहीं बोली थी, मुझे बाद में मैसेज पे बोले, कितनी हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि जो हम लोग पैसा कैसे बैठ के बात कर रहे थे बिल्कुल नॉर्मली, और क्या कर रहे थे, बहुत इनफॉर्मल, मतलब बहुत फॉर्मल, इतना फॉर्मल इंग्लिश में ऐसे बता रहे थे जैसे कि इसको मैं इंप्रेस कर रहा हूं इंग्लिश में, और मैं नॉर्मली बैठा हुआ था। हां, ये अच्छा, तो गाइस हम लोग फिर उसके बाद सीधा मिलते रहे, बात करते रहे ऐसे ही नॉर्मली, सब कैजुअल रहा, नथिंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स, बहुत ही कूल फ्रेंडशिप थी। फिर उसके बाद हम लोग दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में लैंड अप हुए आफ्टर 1 month और 2 months। तुमने ऑलरेडी एडमिशन वहां लिया था? हां, मैंने स्विच किया था। हां, मैंने स्विच किया था। मैं फर्स्ट ईयर में फिर से मैं जा रहा था बीबीए करने के लिए, सेकंड ईयर पहुंची थी, इसका भी एक्सल ड्रॉप होता, मेरा भी एक्सल ड्रॉप हुआ था, राइट। फिर वहां पे फर्स्ट टाइम जब मैं इससे टकराई, फिर हमारी इतनी फ्रेंडशिप नहीं थी गाइस, तभी भी हम आईएलओ पे ही थे, तो मैं मैं यहाँ तो यही रहती हूँ कार में ये मेरे को मेरे घर से पिकअप करता था, हम लोग ने जिम भी साथ में ज्वाइन कर लिया था, एंड हम शाम को जिम भी स्टार्ट करने वाले थे। जब ये प्रतीक के साथ स्कूल जाती थी तो हम प्रतीक के पापा से पूछते थे, कॉलेज जाती थी तो हम प्रतीक के पापा से पूछते थे कि ये जो लड़की है रोज लेने आती है, क्या इतनी इसकी बेस्ट फ्रेंड है? तो तुम ये मंद मंद मुस्कराते थे, तो बोलते थे हाँ बेस्ट फ्रेंड है। मैंने सोचा आजकल फ्रैंक जमाना है तो ऐसे होता ही है, रूस लेने आती है छोड़ने आती है। तो गाइस हाँ, फिर हमने जिम भी ज्वाइन कर लिया था, काफी चीजें सिमिलर हो गई थी, पेरेंट्स न्यू कि हम लोग साथ में कॉलेज जाते हैं, सब करते हैं। क्या हुआ, अब आई मेन प्रपोजल और कन्फेशन की बारी, हाउ डिड वी कन्फेस द लव, सो प्रतीक स्टार्ट। फिर क्या हुआ उसके बाद, मेरे अंदर वो फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई थी, मेरे को इसके लिए अटैचमेंट होना स्टार्ट हो गई थी, आई स्टार्टेड फीलिंग अटैच्ड टू हिम एंड आई टोल्ड हिम लिसन आई एम स्टार्टेड डेवलप आई स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर यू एंड यू नो वी शुड टेक दिस फॉरवर्ड, अगर तुम्हारा क्या इस पे टेक है। ये चीज बोली मेरे को तो मेरे अंदर मुझे लगा कि अभी के लिए आई एम नॉट रेडी टू गेट कमिटेड टू समवन और विद यू, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कमिटमेंट से थोड़ा सा एक पॉइंट पीछे रहना था, मुझे कमिटेड नहीं होना था। हाँ। क्या हुआ, एक बार जो मेरा मास कम्युनिकेशन वाली बिल्डिंग है उसकी कैफेटेरिया में आई सॉ हिम विद अ गर्ल, यू नो टॉकिंग एंड नॉर्मल बातें कर रहा था, तो आई डिडंट लाइक इट पर्सनली, मुझे थोड़ा सा जेलस फील हुआ कि यार दिस इज व्हाट इट इज, मेरे साथ जाता है बेस्ट फ्रेंड करता रहता है एंड नाउ ही इज टॉकिंग टू अनदर गर्ल एंड आई गॉट रियली पोसेसिव। आई रिमेम्बर मैंने अपने एक फ्रेंड को भी बोला था एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, क्लास चल रही थी, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे,
तो माय फ्रेंड वाज कंसोलिंग, कोई बात नहीं निशी, मेबी उसको ऐसा फील ना होता हो तुम्हारे लिए एंड ऑल दैट स्टफ. एंड आई कन्फ्रंटेड, मतलब मैंने इससे बात करना बिल्कुल कम कर दी थी उसके बाद. मैं बहुत कट ऑफ हो गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था मैं अपनी फीलिंग्स ग्रो कर रही हूँ इसके लिए. देन आई स्टेप बैक. फिर उसके बाद मैंने इसको कॉल किया और समझा कि क्या चीजें हैं आपकी. तो हम लोगों के बीच में बातें हुई बट वो बहुत कैजुअल टॉक थी. इसने कहा ठीक है यू गो ऑन योर वे, हम लोग फ्रेंड्स रहेंगे पर थोड़ा सा स्पेस लेके चलेंगे. एंड आई विल गो कॉलेज अपने आप, तो मैं लिव करने की जरूरत नहीं है मुझे. उसके बाद मैं अपनी और फ्रेंड्स बना रही थी, गर्ल फ्रेंड गर्ल फ्रेंड्स. मैं अपना अपना अलग ग्रुप एक इनिशिएट करना चाहती थी. प्रतीक को क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये तो मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं और वो निकल के बाहर आ रही है क्योंकि आई वाज फीलिंग इनसिक्योर. आई वाज फीलिंग कि यार निशी की कंपनी चाहिए मेरे को और हम दोनों की वाइब मैच करती है, हम दोनों का स्टाइल मैच करता है, हम दोनों का बाकी तरीका मैच करता है, हम दोनों की फैमिली जितनी ऑलरेडी एक दूसरे जानती हैं तो क्यों ना इस दोस्ती वाले चीज को प्यारे बदले. राइट. एंड देन उसके बाद ऑन 1st of November ही प्रपोज मी. मालूम नहीं था मैं करने वाला हूँ. आई टुक हर आउट फॉर अ लंच, लंच डेट, और वहाँ हम लोग गए, लंच किया. उसके बाद ऐसे ही राउंड लगाने चले गए और राउंड लगाते लगाते मैंने बोला कि चलते हैं तेरा एक्सटेंशन. तो उसने बोला हाँ चलते हैं, मैंने देखा भी नहीं लेट्स गो. पुल के जस्ट बीच मैंने गाड़ी रोकी क्योंकि वहाँ पर थोड़ा रनिंग ट्रैफिक कम होता है. गाड़ी रोकी, उसके बाद मैं उतरा, मैंने बोला कम आउट. वहाँ पे घुटने में बैठ के प्रपोज किया कि प्लीज बी माय लाइफ पार्टनर फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ एंड वी शुड ग्रो ओल्ड टुगेदर करके मैं लाइन बोली जो मैंने कहीं ना कहीं देखी थी और मैंने मारी बट दिल से हाँ हमारी जर्नी जो है स्टार्ट हुई. दैट वाज 1st November 2015. उसके बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं इससे शादी भी करूंगी. लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इससे शादी करूंगी. मेरे दिमाग में वो थॉट नहीं था. इट वाज लाइक कि आई लाइक दिस गाय, लेट्स यू नो टेक दिस फॉरवर्ड. एंड उसके बाद गाइस हम लोगों को 2 साल हम लोगों ने बहुत अच्छा से स्पेंड किए. 1.5 साल बहुत सारी हमें जगहें, बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करी. यहाँ तक कि हमने बहुत मस्ती करी. आपस में पेरेंट्स को भी कन्विंस किया कि एक साथ हॉलिडे पे. जब लिवाना में न्यू ईयर था पूरी फैमिली हम लोग गई थी. तब चीना ने कहा मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने. फिर प्रतीक छोड़ने आया था इसको, तब भी मैं समझ गई थी. देखो बात शक तो उस वक्त हो गया था. अब जब देखो कोई भी प्रोग्राम चीना का बने भैया प्रतीक का होना जरूरी है. उसको फोन कर देती थी या कुछ. पापा हम लोग तो बस जस्ट फ्रेंड है. मैं फ्रेंड भी बेटा एक ही फ्रेंड. तो पिताजी तो बेटा समझ जाते थे. टीम और मैंने प्लान किया था कि एक ट्रिप बनाएंगे श्रीलंका के लिए. इसने अपने मोमेंट को बोला प्रतीक की फैमिली से बात करें डायरेक्टली. आज तक मतलब ऐसे कैजुअल बात कभी हुई नहीं है मेरे डैड की और माय डैड की. इसके डैड ने कॉल किया डैड को और डैड वाज लाइक हाँ जी हाँ हाँ ठीक है. हम लोगों को साथ में ट्रैवल करने का बहुत उस टाइम में बहुत मन था. एंड फिर जैसे जैसे हम लोगों ने आपस में अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि चलो लेट्स गो टू द कंट्री श्रीलंका ट्रिप. हमारे फ्रेंड्स जिनको ये पता था दैट वी आर कमिटेड दे वर ऑल शॉक्ड कि क्या हो रहा है. What are you people doing? प्रियंका भी हमेशा चीना को डांटती थी तुम हमेशा प्रतीक के साथ क्या कर रही हो. तो कहती मम्मी नहीं आप तो फालतू नाराज हो. वो सबसे बड़ी बात क्या थी, निशी किसी बात में रूठी और सीधा जाके प्रतीक के सामने बैठ गई आके. हाँ मेरे को तो उसी वक्त लग गया 100% भैया ये रूठ के उधर क्यों बैठ गई, हम लोग के सामने क्यों नहीं आई. भाई बच्चा रूठता है तो कहाँ जाता है, अपने के पास ही जाता है. तो हमने प्रिया को इशारा कर दिया. मैंने कहा अब तो तुम समझ गई हो कि कुछ समझाना बाकी रह गया. तब हम लोगों को पूरा पता लग गया. उसके बाद मैं ट्रिप की बात आई मेरे मॉम को तो फुल ऑन शक हो गया था कि यू नो देयर इज समथिंग बिटवीन अस. सबको शक हो गया था, सबको शक हो गया था जो भी ट्रिप था. तो फेसबुक पिक्चर रिवील हो गई हम लोगों की. बट वी डिडंट माइंड बिकॉज यू नो हमारे इंटेंशंस वही थे कि हमें लॉन्ग टर्म तक जाने हैं. हाँ. उसके बाद 2-3 साल प्रतीक अपने शोरूम में बिजी हो गया. मैंने अपना फिर कॉलेज तो मैं जा रहा था बट मैंने अपने शोरूम की तरफ ही जाना चाहूँ. मैं जॉब कर रही थी डिजिटल मार्केटिंग. मैंने 2 जॉब्स करी उस टाइम पे. जब होली के टाइम प्रतीक के साथ तुम आई थी यहाँ तो मैंने कहा प्रतीक की इतनी पक्की दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंड है कि होली पे भी घर ले आया. और फिर प्रतीक ने ना इसके जो दुपट्टा था ना उस वाइट दुपट्टे से अपना कलर पोंछ रहा था. फिर मुझे डाउट हुआ, मैंने प्रतीक के पापा से बोला कि सुनिए और ये जो है प्रतीक उसके दुपट्टे से मुंह पोंछ रहा था.
तो इसका मतलब तेरा समझ नहीं रही हो, ये ट्रू लव है। फिर हमारे एक्चुअल कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हुए, फिर वो हमारा रियल टेस्ट था जो रिलेशनशिप में हुआ था, टाइम देना है दूसरे को। ये थी 2.5 ईयर के बाद, 2018 राइट, 1.5 ईयर जो वो क्रैंकी जब मैं थोड़ा लेट करता था या इसको गाइस थोड़ा लेट नहीं होता है, 2 hours he used to make me wait. Not every time. हाँ. Rarely ये हम लोग 2 hours every. Not every time, but मैंने काफी बार ये किया है. चार बजे ये क्या है क्योंकि शोरूम में मालूम है अगर आप काम कर रहे हो तो कभी कभी कुछ काम आ जाता है important. But कभी भी आपको ये शब्द use नहीं करना है कि I want to quit. ये इसका हमेशा ये relationship goal था. हाँ. He never you know allowed me to quit and इसने खुद भी quit नहीं किया. फिर धीरे धीरे हमने अपना pace set किया ऐसे वैसे कर. अब हम लोग पहुंच गए हैं 2019 में जब सब दोनों घरों में, मेरे घर में कम, इसके घर में ज्यादा, क्योंकि obviously लड़कियों का पहले ऐसा होता है you know parents want me to get married. गर्ल की बोलते शादी करा दो, एज हो रही है, लड़का ढूंढो. मेरे से भी था सबसे पहले ना एजेंडा लड़का ढूंढो, बिकॉज हमने अभी ऑफिशियल नहीं किया था, सबको शक था, बट वी डिडंट यू नो. अब मम्मी बहुत बार पूछती थी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, शादी करना बहुत बड़ी चीज थी. मैं थोड़ी सी इनसिक्योर थी यार, कहीं इसका माइंड बदल गया तो मैंने बड़ी हिम्मत से आपस में बात करी, लेट्स सीक्रेटली डू इट. समाज वाले बोलते शादी करा दो, शादी करा दो, इसलिए हमने आपस में तुमने बताया कि तुम इंटरेस्टेड हो, फिर इसलिए मेरे से बोला कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप यस करो, अदरवाइज ये बात तो सही है. उन्होंने मेरे ऊपर, बच्चों ने ये नहीं रखा, प्रेशर नहीं रखा कि यही करनी है या कुछ करना. हमसे पूछा भी बेटी, और हम लोग से पूछा भी, तो मेरे को थोड़ा सा था कि डाउटफुल था क्योंकि मैं बेटी दे रही हूँ. बहुत बार मैंने तुम्हारी माँ ने मेरे से पूछा, क्योंकि फैमिली के बारे में तुम्हारी मम्मी तो जानती नहीं थी ना, ज्यादा तो मैं ही जानता था ना, मैं तो सबको जानता था. हर दूसरे दिन एक ही सवाल, मिस्टर टीका माँ चो, हाँ बा टीका बिल्कुल सही है. डायरेक्ट आके बताया उसने, डायरेक्ट आके पहले मेरे से बोला कि हमें पसंद है उनसे बात, एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप उनके मम्मी पापा से बात करिए. आपको कैसी लगती है निशी, ये पूछ रहा था. अगर आप कैसी लग रही है बताइए. और आप लोग एग्री हो करने के लिए, तो मैंने कहा निशी तो बहुत अच्छी है. मेरी हार्ट धक 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 नीचे बैठा हुआ था, डैड बैठे थे, मॉम बैठे, और उनका रिस्पॉन्स यस, तुरंत यस आया. एंड वी गॉट एंगेज. फिर ऋषि मांझी की मैरिज हुई, उससे पहले हम लोगों ने ऑफिशियल कर दिया था. जब मैंने प्रतीक को फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे को पता चल गया था, जब बड़े हो गए थे हम लोग तो, और जब मेरे को पता था कि निशी एमएटी में जा रही, तो मेरे को पता चल गया था ये दीज पीपल आर डेटिंग और ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है. बट मैं इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता, मैं बहुत हम्बल इंसान हूँ ना, और मेरे को लगता था ठीक है, अगर वो मतलब एक्सप्रेस नहीं करता था कि ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट मैंने ठीक है अगर चिन्ना की इच्छा है तो व्हाई नॉट, क्योंकि मैं बहुत खुले विचार का भी. फिर हमने 1 से 1.5 साल का और कोर्टशिप पीरियड किया, मतलब निकाला, बिकॉज प्रतीक वाज स्टिल 26 एंड आई वाज 25, तो हम 1.5 साल अपने करियर को और देना चाहते थे. जब मेरा रोका हुआ था तब अंदर की बातें मुझे पता था कि दोनों डेट कर रहे हैं, बट प्रतीक का फर्स्ट इंप्रेशन ये था, उसको देख के मुझे ये लगा काफी रिस्पॉन्सिबल है और काफी ज्यादा मतलब केयरिंग है, और हाँ करियर ओरिएंटेड है काफी ज्यादा, जो मुझे अच्छा लगा सुन के, देख के मतलब. तो ये एक पार्टी थी, हम लोग फर्स्ट टाइम एज अ कपल रिप्रेजेंट कर रहे थे उसमें, एंड प्रतीक लेट था फॉर 4 hours. 4 hours मतलब पार्टी खत्म, दिन की पार्टी थी, पार्टी ओवर 4 बजे, एंड ही एंटर्ड एट दैट टाइम. मेरा मूड इतना ऑफ हुआ था, आई वाज द वर्ज ऑफ लाइक नाउ इट्स ओवर. मैं ओवर थिंक करने लगी थी कि फ्यूचर मुझे टाइम नहीं देगा, मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरे ऐसे इवेंट्स डिले करता रहेगा. सो गाइस बताना चाहूंगा आपको, जो लड़कियां अगर ऐसा ओवर थिंक करती है ना, वो देख ले आज मैं ऐसा खड़ा हूं और मैं इसको टाइम भी दे रहा हूं, बहुत टाइम दे रहा है, एंड उससे पहले उससे ज्यादा टाइम दे रहा है, ओवर थिंक मत करो. तो फिर हम लोगों ने सॉल्व किया, वो एक नॉट टाइप आ गया था हमारा रिलेशनशिप पे उस टाइम पे, एंड
That's it. मैं ऐसे कुछ नहीं था, मुझे मालूम नहीं था क्या हो रहा है। Guys, coincidence first 2021 में हम लोग जल्दी शादी करना चाहते थे, but पंडित जी told me, हाँ told us कि जनवरी फेब्रुवरी और मार्च तीनों में पूरे नहीं है। तभी हम लोगों ने 23 अप्रैल को ही शादी करी। अगर हमारे पास इतना गॉसिप नहीं होता तो शायद हम पोस्टपोन कर देते। तो दिस वॉज आवर परफेक्ट लव स्टोरी। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप आपको हमारी लव स्टोरी अच्छी लगी। वी विल कीप कमिंग बैक विद मोर सच काइंड ऑफ एंटरटेनिंग वीडियोस। और इस हफ्ते में तुम्हारी बहुत अमल हुई है, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब, पहले वीडियोस भी देखो और सब्सक्राइब कर दो। और आपको आगे थमाके थमाके दे, और हम लोग अब बहुत ही ग्रैंड न्यूज लेके आने वाले हैं। क्या भैया, क्या लेके आए वो आपको पता चलेगा। ओके बाय।